आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक्चुअल में कस्टम ऑक्शन से कितना पैसा कमा सकते हैं, कस्टम ऑक्शन की असली सच्चाई क्या है, क्या आप लोगों को सच में कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों को बहुत बोला है कि आप कस्टम ऑक्शन में पार्ट लीजिए, मैंने अपना नंबर भी मेंशन किया, तो कई लोगों को ये लग रहा है कि मैं सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, थोड़े से मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। क्या आप लोगों को सही में कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेना चाहिए, क्या आप एलिजिबल, क्या आप एक्चुअल में मतलब उस लायक हैं कि आप कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेना लेना चाहेंगे इन फ्यूचर। मेरी वीडियोस देखने के बाद कई सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, कई सारे लोगों के बीच में ये नॉलेज फैली है कि कस्टम ऑक्शन करके कोई चीज़ भी होती है। कई लोगों में कन्फ्यूजन थी, कई लोगों का इसमें मोनोपोली था, वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और मैं अपनी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे को क्या लगता है कि कौन बंदा है जिसको कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेना चाहिए, क्या आप उनमें से हैं जिसमें जो कि कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेके कुछ पैसा कमा सकते हैं, एक्चुअल में कितना पैसा लोग कमाते हैं कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेके, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और कस्टम ऑप्शन के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, दो चार चीज़ों पॉइंट्स में डिवाइड किया है मैंने। एक है क्वांटिटी, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, रिस्क कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंप्लाइंसेस क्या लगते हैं। तो दो चार पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसमें कहीं ना कहीं दूर होगी, कहीं ना कहीं इसमें आपको वैल्यू मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका काफ़ी सारा पैसा बचने वाला है वीडियो देखने के बाद। अगर आप कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेते हैं या पार्ट लेते हैं ऑलरेडी, पार्ट लेना चाहते हैं या पार्ट लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंटेनर ऑक्शन और एयरपोर्ट ऑक्शन में क्या फ़र्क है। देखिए, कई तरह के ऑक्शन होते हैं, कंटेनर ऑक्शन होता है, एयरपोर्ट का ऑक्शन होता है, स्क्रैप का ऑक्शन होता है, मशीन का ऑक्शन होता है। ये मैंने अपने दूसरे वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि कितने तरह के ऑप्शन होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो आप अगर चाहते हैं कि ऑप्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल है, तो मैं वीडियो आई कार्ड में डाल दूंगा, इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने तरह के ऑप्शन होते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगती है, क्या क्या है, पूरी डिटेल कंप्लीट नॉलेज बताई थी मैंने उसमें। तो इस वीडियो में मेरा जो मोटिव है वो मैं आपके साथ बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे को कौन सा ऑप्शन, मतलब मैं जिस ऑप्शन के ऊपर वीडियोस बनाता हूं वो है कंटेनर ऑप्शन और एयरपोर्ट के कस्टम्स, मतलब कस्टम्स ऑप्शन के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं जो अब तक मैंने बनाया। आगे चल के शायद मैं कार ऑप्शन और दूसरे जो स्क्रैप वगैरह के ऑप्शन आते हैं उसमें भी वीडियो बनाऊँ, देखते हैं कहाँ तक अपना चैनल, कितनी डिमांड आती है आप लोगों की, आप लोग बोलेंगे तो मैं बना भी दूंगा। तो कंटेनर ऑक्शन और एयरपोर्ट ऑक्शन दोनों में क्या फ़र्क है। कंटेनर ऑक्शन में देखिए, कंटेनर ऑक्शन में क्या होता है कि पूरा का पूरा कंटेनर होता है, यानी कि क्वांटिटी, अब बात करते हैं क्वांटिटी की, क्वांटिटी कंटेनर ऑक्शन में या एयरपोर्ट ऑक्शन में क्या फ़र्क है। क्वांटिटी कंटेनर ऑक्शन में जो होता है वो आप लोगों को पता लग ही गया, आप लोगों ने वीडियो देखा था कि पूरी ह्यूज क्वांटिटी होती है, 40 फीट और 20 फीट के दो साइज़ के कंटेनर होते हैं, टनों में उसके अंदर माल होता है, क्वांटिटी उसके अंदर जो आइटम उसके अंदर होता है वो लाखों का आइटम होता है। ऑन द अदर हैंड जो एयरपोर्ट में जो ऑक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं पर्सनल यूज़ का होता है, उसमें कई सारे मिक्स, मतलब कई तरह के एयरपोर्ट के ऑक्शन में जो है बैगेज का आइटम हो गया, कोई चीज़ लेके आ रहा है कहीं से बाहर से इनलीगल इंपोर्ट करके, वो हो गया, पर्सनल जो लोग वर्क साथ में अपने लेके आ जाते हैं कई बार इनलीगली और बैगेज वहाँ चेकिंग में पकड़ जाता है, वो हो गया, कई सारा इंपोर्ट होता है जो लोग पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं वो हो गया। तो एयरपोर्ट ऑक्शन में जो है सारी मिक्स चीज़ें, और कस्टम कंटेनर ऑक्शन में क्या है कि सारी इंपोर्टेड आइटम, मतलब जो कमर्शियल लेवल पर इंपोर्ट होता है कंप्लाइंस के चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के चलते हैं या किसी और चीज़ के चलते हैं, अगर वो रुक गया तो वो कस्टम ऑक्शन में आता है। तो क्वांटिटी कंटेनर ऑक्शन में बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हाई होती है, उसकी बिडिंग काफ़ी हाई जाती है। ऑन द अदर हैंड जो एयरपोर्ट का ऑक्शन होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, कभी एक पीस, कभी दो पीस, कभी बहुत छोटे छोटे, आपने जैसे एयरपोर्ट ऑक्शन में आपने देखा ही था, एक स्पीकर, दो स्पीकर, ज्वेलरी, बैंगल तक के ऑक्शन हो रहे हैं एक एक पीस के। तो क्वांटिटी बहुत कम होती है, वैल्यू बहुत कम होती है, पर्सनल यूज़ के लिए आप उसको खरीद सकते हैं। आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कितना है। देखिए, अब आप क्वांटिटी ऑब्वियसली अगर कंटेनर ऑक्शन में ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, एयरपोर्ट ऑक्शन में क्वांटिटी कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 11,800 रुपये का, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा MSTC में, जो कि हमारे पैन इंडिया में जितने ऑक्शन होते हैं, कंटेनर ऑक्शन, कस्टम्स ऑक्शन, स्क्रैप ऑक्शन, कार ऑक्शन, सारा का सारा इस टाइम पे MSTC कंडक्ट करता है और MSTC उन सारी चीज़ों में डील करता है। तो MSTC का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा किसी भी ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए, चाहे वो कस्टम ऑक्शन हो, चाहे स्क्रैप ऑक्शन हो, चाहे आपका कार का ऑक्शन हो या किसी भी और तरह का ऑक्शन हो। तो MSTC में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और अगर आप चाहते हैं MSTC में रजिस्ट्रेशन कराना तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कई तरह की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है, कई तरह की, मतलब थोड़े बहुत इसमें ट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस चीज़ में भी हम आप लोगों को हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह की गलत बिडिंग करते हैं, बिडिंग करके माल को नहीं उठाते हैं, गलती से कोई बिडिंग कर दी, फिर आप
फिर क्या होता है कि आपका जो आईडी पासवर्ड है वो 6 महीने के लिए कैंसिल हो जाता है, तो आप 6 महीने तक किसी भी ऑप्शन में पार्ट नहीं ले पाते, तो उस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं गाइड करते हैं आप लोगों को। तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा ही है, एक तो आप लोगों का हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हमारी गाइडेंस रहती है पूरी की पूरी। तो इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको MSTC में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है कंटेनर के ऑप्शन में, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आप लोगों को जो बोली है वो लाखों में जाती है, 16 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपये तक का इसमें क्या कहते हैं जो बिडिंग है वो चली जाती है, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ऑन द अदर हैंड जो एयरपोर्ट में ऑप्शन होता है उसमें क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो ऑब्वियसली उसको आप पर्सनल यूज़ के लिए भी खरीद सकते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि एयरपोर्ट ऑप्शन में जो है उसमें कई मतलब यंग बंदे, लड़कियां तक, आंटीज़ को भी मैंने देखा था कि लोग वहाँ आए हैं ऑप्शन में, हो सकता है उनके किसी रिलेटिव ने उसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, वो देखने आ गए उनके साथ में। तो एयरपोर्ट का जो ऑप्शन है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, उसमें पैसा भी आपको कम लगता है, उसमें आप पर्सनल यूज़ के लिए खरीद सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ के आती है, वो है रिस्क। रिस्क कितना है, देखिए कंटेनर ऑप्शन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि कंटेनर ऑप्शन में जो है जब कंटेनर खुलता भी है तो आपको सिर्फ सामने सामने की चीज़ दिखती है, अंदर क्या हालत हो रखी है चीज़ों की, कितना टूटा है, क्योंकि 5-5, 4-4, 10-10 साल पुराने कंटेनर भी ऑप्शन में आते हैं, तो उस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप कंटेनर ऑक्शन में पार्ट लेते हैं। तो कंटेनर ऑक्शन में पार्ट लेना हमेशा ये एडवाइजेबल होता है अगर जिस आइटम में आप डील करते हैं और जिस आइटम के बारे में आपको पता है, जिस आइटम में आपकी एक्सपर्टाइज़ है, उस चीज़ में हमेशा बिडिंग करते हैं। हम तो यही एडवाइस करते हैं लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी हमारे थ्रू कस्टम MSTC में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उनको हम हमेशा ये कहते हैं कि उल्टी सीधी चीज़ों में बोली मत लगाओ, सामने से दिख रहा है कि अच्छा है, अंदर पता नहीं क्या होगा। अगर आपको उस चीज़ में एक्सपर्टाइज़ है तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अंदर इसकी क्या हालत होने वाली है और मैं इसको कितने में बेच दूंगा। तो रिस्क फैक्टर जो है वो कंटेनर ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा है, एयरपोर्ट ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत कम है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको सब कुछ सामने दिख ही जाता है, वहाँ पे आप खोल के देख सकते हैं, अपने हिसाब से बोली लगाओ। मार्केट वैल्यू उसकी पता ही होती है कि भाई एक जो आईपैड है 2015 का आईपैड अगर या 2014 का मैकबुक अगर आपके ऑप्शन में आया हुआ है तो इस टाइम पर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके कम में अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप बोली लगा के ले लो, बोली अगर उसके कम तक में रुक जाती है तो आप ले लो। तो रिस्क फैक्टर जो है एयरपोर्ट ऑप्शन में काफ़ी कम है और आपका जो कंटेनर ऑप्शन में वो काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब भी आप किसी कोई भी सरकारी चीज़ करते हैं, कोई भी सरकार के साथ कोई भी सरकारी ट्रांजैक्शन करते हैं। ये भी पता ही आपको कि जो सारी चीज़ें हैं ये कंडक्ट सरकारी एजेंसीज़ के, यानी MSTC भी सरकारी है, कंटेनर ऑप्शन में कॉनकोर भी सरकारी है, और अपना जो एयरपोर्ट में ऑप्शन करता है सेल भी वैसे तो प्राइवेट है, बट उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि कंटेनर ऑप्शन में और एयरपोर्ट ऑप्शन में आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों का सेम होता है। अब कंटेनर ऑप्शन में क्या होता है कि क्योंकि चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, कमर्शियल लेवल पे है, तो उसमें जो कंप्लाइंस है ना, कंप्लाइंस मतलब BIS हो गया, EPR हो गया, WPC हो गया, और आपका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि कंटेनर ऑप्शन जो भी खरीदने वाला है वो अल्टीमेटली उसको मार्केट में जाके बेचने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं कमर्शियल ट्रांजेक्शन ही करेगा उस आइटम को लेके, तो उसको हमेशा कमर्शियल ही ट्रीट किया जाता है। जब उसको इंपोर्ट करने में जो क्राइटेरिया हमारे इंडिया में रखा जाता है, जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन्स या ब्लूटूथ से वाईफाई से चलने वाली कोई भी चीज़ लगा इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो आपको WPC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप LED लाइट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं या आप कंप्यूटर PC VC ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो आपको BIS, WPC, EPR देना पड़ता है। तो सेम चीज़ कस्टम ऑक्शन में भी होती है, अगर ऐसा कोई आइटम ऑक्शन में आया हुआ है तो उस चीज़ को परचेज़ करने के बाद आपको क्या कहते हैं वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यार हम कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, तो वो चीज़ क्या होता है कि जब आप कस्टम ऑक्शन में पार्ट लेते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप वहाँ से सैंपल निकाल के, जो भी सैंपल निकालना है सैंपल निकाल के उसका BIS कराइए, EPR कराइए, WPC कराइए, करा के सर्टिफिकेट लेके आइए, फिर आप माल को लेके जाइए। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है कंटेनर ऑप्शन में। ऑन द अदर हैंड एयरपोर्ट ऑप्शन में क्या होता है, एयरपोर्ट ऑप्शन में जैसे कि आप लोगों ने इस बार देखा था कि मैकबुक आया हुआ था और भी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आई हुई थी, उसमें से ब्लूटूथ स्पीकर छोड़ के और किसी भी चीज़ में उन्होंने कंप्लाइंस नहीं लगा रखा था। ब्लूटूथ स्पीकर में जैसे कि WPC लगता है, तो उन्होंने सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर में रिमार्क्स में WPC लिख रखा था, पता नहीं रिमार्क्स में क्या था कि प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, इसमें भी खरीदाऊँ, क्योंकि जब एयरपोर्ट ऑप्शन से कोई चीज़ खरीदता है तो वो पर्सनल यूज़ के लिए है, वो जाके आगे मार्केट में बिकने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं जो आपका कंप्लाइंस है वो भी नहीं लगाते हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ है ऑप्शन करती हैं तो वो कंप्लाइंस नहीं लगाती। तो इसके बाद एक चीज़ और है कि लोग वाग ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट कितना कमा लेंगे, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट लोगों को लगता है कि यार हम कस्टम ऑप्शन में पार्ट लेंगे तो बहुत सारा माल कमा लेंगे,
बहुत सारा लोग ऑलरेडी कमाते हैं, मैंने सुना है कि इतना होता है इतना होता है। वो अपनी शाहिद कपूर की मूवी भी आई थी बदमाश कंपनी, उसको देख के भी कई ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और कस्टम ऑक्शन में कि भाई कस्टम ऑक्शन में पार्ट लूँगा तो मैं पता नहीं कितना अमीर बन जाऊँगा। मेरे को तो कई लोगों के कॉल भी आए कि भाई मैं तो कुछ भी लेके बेच सकता हूँ, मेरा कुछ भी करा दो। तो मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि भाई कस्टम ऑक्शन जो है ना वो किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह है, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट लगती है, उसमें भी रिस्क है, उसमें प्रॉफिट हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एक कंटेनर खरीदेंगे और उसके बाद करोड़पति बन जाएंगे। अभी तो बिल्कुल नहीं, हमारे वीडियोस बनाने के बाद हो सकता है कि इससे पहले होता होगा, क्योंकि इससे पहले जो था ये मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लोज था, लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि किस तरीके से ऑक्शन होता है, किस तरीके से लोग वाक बोली लगाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, अभी जो बीच में कंटेनर फैब्रिक का कंटेनर आया हुआ था वो इससे पहले उसकी बोली लगती थी 10 लाख रुपये। मतलब आप समझ सकते थे कि कितना ज़्यादा हमारे वीडियोस और लोगों को अवेयर करने से पहले कि कितना कम लोग वाक बोली लगाते थे, कितनी लोगों की बातचीत रहती थी अंदर की, इतने हाई वैल्यू के कंटेनर भी वो इतने सस्ते में लेके चले जाते थे। बट हमने इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें करा दिया है और इतने लोग इस टाइम पे पार्ट लेने लगे हैं कस्टम ऑक्शन में कि लोग वाक बोली इतना हाई चला जाता है, वही 10 लाख रुपये का कंटेनर आज के डेट में 40-45 लाख रुपये में भी जा रहा है। तो प्रॉफिट हो सकता है कि पहले था, बट अब तो मेरे ख्याल हो सकता है कि कई, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना जो आपके, आपको पता है कि भाई आप अगर पेपर में डील करते हैं और पेपर का कंटेनर आया हुआ है, अब दूसरों के लिए तो वो कूड़ा है ना, आपके लिए तो वो सोना है। प्रॉफिट है, उतना हाई लेवल का नहीं है, प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क भी है। तो हम तो हमेशा यही लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज है उसी चीज़ में बोली लगाओ, उसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है और फिर बाद में आपका MSTC का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट है, बट उतना नहीं है कि आप एक कंटेनर बेच के करोड़पति बन जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिल्मों को देख के इन्फ्लुएंस मत होना, इसमें काफ़ी रिस्क भी है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी लगती है, काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी एक्सपर्टाइज भी चाहिए। तो रिस्क तो है, मतलब प्रॉफिट तो है ही, तो आप कस्टम ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं कहीं ना कहीं, सही बात है। एयरपोर्ट ऑक्शन में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, एयरपोर्ट ऑक्शन में क्या होता है कि छोटी छोटी क्वांटिटी में चीज़ें आती हैं वहाँ पे। हाँ, एयरपोर्ट ऑक्शन में भी कई सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल के कैमराज था, जो मैं मैंने एयरपोर्ट ऑक्शन में आपको दिखाया था, इंडस्ट्रियल लेवल के, मतलब एक एक कैमरा ही वहाँ पर 2-2 लाख रुपये का था। तो वहाँ पर ऑक्शन आया हुआ था, जिसके समझ में वो चीज़ नहीं आने वाली वो चीज़ में बोली नहीं लगाने वाला, जिसको उस चीज़ के बारे में पता है वो उसको बोली ले जाके आगे मार्केट में बेच सकता है। तो एयरपोर्ट ऑक्शन में भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं अगर आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो 11,800 रुपये बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं होता, आपको एक बार देना होता लाइफ टाइम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, अगर आप कोई भी उल्टी सीधी बोली लगा के अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिल कराते फ्यूचर में। तो प्रॉफिट अच्छा है, बहुत ज़्यादा है किसी किसी आइटम में। अगर आपकी एक्सपर्टाइज है कैमरा, तो मेरे तो किसी काम करने ना, उस कैमरे को लाके मैं अपने घर पे तो लगा नहीं सकता, इंडस्ट्रियल लेवल का कैमरा है। हाँ, जिसको पता है उस चीज़ के बारे में वो जाके आगे बेच सकता है उस चीज़ को। प्रॉफिट है अच्छा खासा, अगर आप करते भी हैं प्रॉफिट के लिए, नहीं भी करते हैं तो आप पर्सनली उसके लिए अपना सामान तो खरीद ही सकते हैं एयरपोर्ट ऑक्शन से, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। तो ये मोटा मोटा एक एयरपोर्ट ऑक्शन का सिनेरियो मैंने आप लोगों को, और हाँ मैं आप बता दूं कि मेरे एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना, जिन्होंने अब तक कस्टम ऑक्शन में पार्ट लिया है ना, जिन्होंने हमारे थ्रू कस्टम ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराया है, एयरपोर्ट ऑक्शन के नहीं कंटेनर ऑक्शन में जो लोग पार्ट लेते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। हमारे थ्रू जितने लोगों ने कराया, मैंने जितने लोगों से बात की, जितने लोगों का इंटरव्यू किया ना, उनमें से ज़्यादातर जो कंटेनर ऑक्शन में पार्ट लेने वाले बंदे हैं ना, वो उनका ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है, उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा कैपिटल है, उनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी टीम है जो सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन कर सकती है, सारी चीज़ों को देख सकती है, वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकती है, और कस्टम ऑक्शन को उन्होंने कहीं ना कहीं एक साइड बिज़नेस की तरह रखा हुआ है। मेन बिज़नेस मैंने तो अब तक देखा नहीं किसी का कि ये कोई बहुत मेन बिज़नेस उन्होंने अपना जो प्राय क्या कहते हैं एकदम मेन बिज़नेस इसको बना रखा है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको सेकेंडरी बिज़नेस की तरह लिया है, क्योंकि मैंने जितने लोगों को देखा है उनका ये एक सेकेंडरी बिज़नेस है, उनका एक ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है और वो देख रहे हैं कि उनके बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई आइटम आता है कस्टम ऑक्शन में तो उसको खरीद लेंगे और अपने बिज़नेस में यूज़ कर लेंगे, या तो आगे बेच देंगे फर्दर उसको प्रोसेसिंग करके। तो ये मेरा एक छोटा सा टिप्स था आपके लिए कि अगर आपका ऑलरेडी कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है या कोई बिज़नेस है ऑलरेडी और आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, तो इसमें आप आके कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके काम की चीज़ अगर आ गई तो वो आपके काम की चीज़ है, दूसरों के लिए तो वो कूड़ा है ना, तो उसको आप खरीद के अच्छे से क्या कहते हैं उसको फर्दर प्रोसेस करके या लेके अपनी अपने काम में लगा के आगे अपनी प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टिप था जो मैं आपके साथ एंड में शेयर करना चाहता था। ये मोटा मोटा ऑक्शन का सिनेरियो था। तो इसके बाद भी अगर आप ऑक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं तो नंबर पर कॉल करिए, जानिए कि किस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे, किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन ईजी कर देंगे
और वीडियो में अब तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के कस्टम ऑप्शन से रिलेटेड, कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो अब तक वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में सिमिलर इन्फॉर्मेशन के साथ, सिमिलर नॉलेज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।